तो क्या आप भी फ़ोन पे चलाना चाहते हैं और आप भी फ़ोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं? तो किस तरह से आप फ़ोन पे अकाउंट बना के अपने दोस्तों के पास पैसा सेंड कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? तो किस तरह से आपको फ़ोन पे अकाउंट बनाना है, आपको इस वीडियो में सारा डिटेल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फ़ोन पे अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फ़ोन पे एप्लीकेशन का, वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर से लॉगिन पहले था तो यहाँ पर नीचे आपको, चलिए मैं अनदर नंबर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड खोजेगा। यहाँ पे मेरा पासवर्ड बना हुआ है तो पासवर्ड यहाँ पर खोज रहा है। अगर आप OTP के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अनदर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन विथ OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर OTP जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं OTP के द्वारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको देख लेना। उसके बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ आपको साइड में आपको प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसका अपने बैंक अकाउंट कहाँ से आपको लिंक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। बैंक अकाउंट लिंक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको फ़ोन पे में जो नंबर लिंक किए हैं वो भी बैंक अकाउंट में आपका नंबर लिंक होना चाहिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है लिंक होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे SBI में, स्टेट बैंक में है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक मेरा लिंक हो चुका है, एड्स यहाँ पर अकाउंट एड सक्सेसफुल यहाँ पर लिंक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरा रीसेट UPI पिन का ऑप्शन आ रहा है। मैं पहले से पिन बनाया हुआ हूँ इसलिए मेरे को रीसेट UPI पिन का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट पिन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का 6 अंक लास्ट का डालना है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपको डालना है। तो चलिए मैं अपना इंटर कर लेते हैं ATM कार्ड का नंबर। उसके बाद यहाँ पे अपना ATM कार्ड का नंबर डालने के बाद एक्सपायरी डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो एक बैंक के तरफ से OTP आएगा, जैसे कि इंटर योर बैंक OTP, तो यहाँ पर बैंक का OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेट UPI पिन, यहाँ पर 6 डिजिट का UPI पिन सेट करना है। तो चलिए मैं अपना UPI पिन सेट कर लेते हैं। आपको भी अपने UPI को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको कंफर्म कर लेना है UPI पिन को। तो चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से वही। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफिकेशन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सर्च हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा UPI पिन यहाँ पर बन चुका है। तो उसके बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से आप किसी के पास पैसा भेजने के लिए आपको स्कैनर QR कोड को स्कैन करके पैसा भेजना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आप स्कैन करके पैसा आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी मोबाइल नंबर यानी दोस्त के पास भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी बैंक अकाउंट में भेजना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैंक UPI ID, यहाँ पर बैंक अकाउंट में किसी का भी भेज सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको बैलेंस चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप बैलेंस चेक वाले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना UPI पिन डाल करके यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट,
बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोनपे अकाउंट बना के ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको फ़ोनपे अकाउंट बनाना है और अपने दोस्तों के पास पैसा सेंड करना है, रिचार्ज करना है, कुछ भी आपको और सारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करना है, तो आप इस तरह से आप फ़ोनपे अकाउंट बना के आप कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको फ़ोनपे अकाउंट बनाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिनु कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।